स्वागत है। मैं सुनील पांडे, ऑल कॉलेज इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हाँ जी, आज हम पूरे एक्साइटेड हैं क्योंकि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट यूजी में स्नातक पार्ट वन में एडमिशन के लिए तिथि जारी कर दिया है और बीए और बीएससी बीकॉम में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं वो स्टूडेंट आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ये एडमिशन ऑनलाइन ही प्रक्रिया जारी होगी। ऑनलाइन कैसे करनी है सारी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में पता चलेगी। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से जुड़ी सभी खबर आपको सबसे पहले मिलता रहे। और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से जितनी भी खबर है ये सभी आप लोगों को तुरंत मिलते रहेगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बता देंगे कि कौन सा कॉलेज में आप लोगों का चयन करना अच्छा पड़ेगा और कौन से कॉलेज में सबसे ज्यादा सीट है। स्नातक में नामांकन लेकर आज होगी बैठक। ऐसे स्नातक पार्ट वन सत्र 2020 से 23 में एडमिशन को लेकर आज नामांकन समिति की बैठक होगी, यानी कि आज अभी नामांकन के लिए आज बैठक होगी। छात्र कल्याण अध्यक्ष डॉक्टर के सिंह ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा होगी, यानी कि अभी ऑनलाइन एडमिशन के लिए अभी बातचीत होगी। यदि कुछ ठीक ठाक रहा तो सोमवार से स्नातक पार्ट वन सत्र 2020 से 23 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि अगर सब ठीक ठाक रहा तो सोमवार से ऑनलाइन करने की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नई सत्र में विद्यार्थी को नामांकन के लिए 1 या 3 ऑनर्स में आवेदन करने की विकल्प दिया जाए अथवा पुरानी प्रक्रिया से ही आवेदन करने का मौका दिया जाए, इस पर मंथन होगा। साथ ही विद्यार्थी को 6 कॉलेज का चुनाव करने का विकल्प देने पर भी विचार विमर्श होगा। यदि विश्वविद्यालय प्रबंधक के द्वारा इस तरह की रणनीति तैयार किया जाता है तो विद्यार्थियों को सोच समझकर अपने ऑनर्स विषय का चुनाव करना पड़े। आप लोगों को इससे पहले पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जिस सब्जेक्ट में आपका सबसे ज़्यादा नंबर होगा उसी सब्जेक्ट का आप चुनाव कीजिएगा। जिस विषय में इंटर में उनका प्रतांक ज़्यादा होगा वैसे विषय का ही चुनाव करने में समझदारी होगी। पिछले सत्र में नामांकन की प्रक्रिया लंबी चलने का कारण इस बार विश्वविद्यालय प्रबंधक की इस तरह की रणनीति बना रहा है। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से जुड़ी सभी खबरें आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।